सवा लाख से एक लड़ाम तबे गोविंद सिंह नाम कहाँ बाबा गुरु गोविंद सिंह बाबा गुरु गोविंद सिंह सवा लाख से एक लड़ाऊं बाबा गुरु गोविंद सिंह सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाँ बाबा गुरु गोविंद सिंह बाबा गुरु गोविंद सिंह बाबा गुरु गोविंद सिंह ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिबे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिख धर्म के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी आसाम से जब पटना वापस पहुंचे तो उनका उनके पुत्र बाला प्रीतम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से जब पहली बार मिलन हुआ तब उनकी उम्र 4.5 साल की थी। पिता पुत्र का मिलन जिस बाग में हुआ वो बाग एक ब्राह्मण के श्राप की वजह से उजड़ गया था। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरण इस बाग में पड़े तब ये बाग फिर से हरा भरा हो गया। आज इस जगह एक गुरुद्वारा है जिसे गुरु का बाग के नाम से जाना जाता है। कई बरसों की लंबी यात्रा के बाद गुरु तेग बहादुर जी पटना वापस आए थे। गुरु जी कुछ समय अपने परिवार और पटना की संगत के साथ बिताकर परिवार सहित आनंदपुर साहब वापस जाना चाहते थे, परंतु पंजाब के बिगड़ते हालात का संदेशा मिलते ही गुरु तेग बहादुर जी को तुरंत आनंदपुर साहब की तरफ रवाना होना पड़ा। पंजाब के हालात ठीक होते ही श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पटना से पूरे परिवार को आनंदपुर साहब वापस बुलवाने का संदेशा भेजा। गुरु जी के वो मित्र जिनके संग गुरु जी गंगा किनारे तरह तरह के खेल खेला करते थे, जिनके संग गुरु जी ने बचपन के 7 साल बिताए थे, खबर मिलते ही वो सब मित्र भरे मन से अपने मित्र बाला प्रीतम से मिलने पहुंचे। बाला प्रीतम के पटना से जाने की खबर बहुत जल्दी दूर दूर तक फैल गई। खबर मिलते ही राजा फतेह चंद मैनी, रानी विशंभरा देवी और पंडित शिवचंद बाला प्रीतम साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से मिलने उनके घर पहुंचे। रानी विशंभरा देवी बाला प्रीतम को अपने पुत्र के जैसा समझती थी। बाला प्रीतम अक्सर अपने मित्रों के साथ रानी के घर खेलने जाया करते थे। खबर सुनते ही रानी बहुत उदास हो गई। बाला प्रीतम भी रानी मां से बहुत स्नेह करते थे। गुरुजी ने यादगार के तौर पर राजा फतेह चंद मैनी को एक तलवार भेंट की। राजा फतेह चंद मैनी ने गुरु जी को रोकने की बहुत कोशिश की। गुरु जी ने राजा और रानी को समझाया और कहा कि वो उदास ना हों। जब भी उन्हें बाला प्रीतम की याद आए वो ध्यान लगाकर गुरबाणी का पाठ करें। ऐसा करने से वो गुरु जी को
अपने साथ ही पाएंगे। सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम। पटना की वो मुबारक और पावन धरती जहां दशम पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश हुआ था, अब वहां से विदाई लेने का समय आ गया था। पूरे पटना शहर में गुरु जी की विदाई की तैयारियां चल रही थी। लोग दूर दूर से गुरु जी के दर्शन करने आ रहे थे। गुरु जी, माता गुजरी जी, माता नानकी जी, मामा कृपाल चंद जी और पटना की संगत के साथ आनंदपुर साहेब की तरफ रवाना हो गए। पटना की संगत गुरु जी को छोड़ने दानापुर तक साथ आई। दानापुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मामा कृपाल चंद ने सफर का पहला पड़ाव दानापुर में डाला। पड़ाव का सारा इंतजाम पटना के एक बहुत बड़े व्यापारी जगता सेठ ने किया। जगता सेठ को उनकी इस दरियादिली की वजह से आज तक याद किया जाता है। दानापुर पटना साहिब से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सिख इतिहास में दानापुर को एक मशहूर एवं ऐतिहासिक किस्से की वजह से जाना जाता है। दानापुर में एक बूढ़ी माई रहा करती थी जिसने कभी श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी यात्रा के दौरान अपनी हांडी से खिचड़ी खिलाई थी। खबर मिलते ही वो माई भी बाला प्रीतम के दर्शन करने पहुंच गई। माई बड़े दिल से बाला प्रीतम के लिए खिचड़ी लाई थी। गुरु जी ने माई से कहा कि वो खिचड़ी को पूरी संगत में बांट दें। संगत ज्यादा थी और खिचड़ी बहुत कम। माई ये सुनकर उदास हो गई। गुरुजी माई के दिल की व्यथा को जान गए। उन्होंने माई की हांडी पर हाथ रखकर अरदास की। माई ने डरते डरते खिचड़ी को डालना शुरू किया। खिचड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही ना ले। सारी संगत ने पेट भरकर खिचड़ी खाई, परंतु फिर भी हांडी में खिचड़ी खत्म नहीं हुई। ये देखकर माई और पटना की सारी संगत हैरान रह गई। आज इस जगह पर एक खूबसूरत गुरुद्वारा है जिसको हम गुरुद्वारा हांडी साहेब के नाम से जानते हैं, जो सिख धर्म के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। गुरु